वैसे तो मेयर ऑब्वियसली अपनी कैबिनेट नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी और आपने जो है ना उनके ओहदे डिसाइड करने हैं अगर आप अपनी कैबिनेट बना रहे होते। आगाज़ करते हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब। बड़े अच्छे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हो सकते हैं वो। मुस्तफा कमाल साहब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वसीम अख्तर। बहुत जहन में आ रही है चीजें। मिनिस्टर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर। ओके कामरान टेसोरी। कामरान टेसोरी पब्लिक के आदमी, आवामी गवर्नर है वो तो। मैं उनको गवर्नर पे ही रखते हैं आपके भाई, बेस्ट है, परफेक्ट है। बरतानवी राज या आज ये फैसला आपने करना है कि वो आपने किस दौर में आपने रखना है। हलीम आदिल शेख। हलीम आदिल शेख मिनिस्टर फॉर रोपोशी। अच्छा ये वैसे ईजाद होगी फिर आपकी। हां नहीं होगी ना, ईजाद आपको मिल नहीं रहा ना। आफाक अहमद। आफाक अहमद मेरे ख्याल में एक चीज है, वो अपने जो उनके उसूल थे उसके ऊपर डटे हुए हैं। मिनिस्टर फॉर फेविकोल कह लें उनको आप। और सईद गनी। सईद गनी साहब कैन बी अ वेरी गुड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिकल चीज़ों को समझते हैं, तो आई थिंक पॉलिटिकल मुशीर हो सकते हैं वो। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब भी मैंने इस तरह के सेगमेंट्स किए ना, कभी मुझे इतने क्विक आंसर भी नहीं मिले। ये मैं आपको क्रेडिट देना चाहती हूं। और मिलते भी कम होंगे। हाँ मिलते भी कम है, और हमारे जो पॉलिटिशियन हजरात हैं बहुत अच्छा बोलने वाले, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स में जो है ना वो बहुत चरगिया घुमाते हैं, बहुत चरगिया बोले। तो बाकी सारे लोगों के लिए भी सेगमेंट प्लान किए हुए थे, वो आप सबके लिए इंक्लूडिंग यू। एक लफ्ज आप लोगों में से एक लफ्ज दूंगी, आप लोगों ने उसको सेंटेंस बनाना है, लेकिन कोई आपसे शुरू करते हैं जी। तब्दीली। तब्दीली नहीं आई। नाजुक मोड़। हमेशा ही आता है, रहता है पाकिस्तान को इसका सामना। हुकूमत हमारी है। हैवी नेक्स्ट लेवल। आने वाली या मौजूदा? परफॉर्मेंस का तकाजा सही लोगों से करना चाहिए। अच्छा वैसे जो इन्होंने कहा है ना कि हमारी है, तो ये वो हमारी है वाला वो वाला सीगा था जो मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ, हमारी है। हाँ, मैंने कहा आने वाली या ये वाली। आपका पहला वाला जुमला और जरा टोन देंगे। हमारी का मतलब है हम, आवाम तो हम है ना। वाह वाह, नॉट इंडिविजुअल, इट्स कलेक्टिव। यस, अब आप सीख रही हैं इन्होंने क्यों कहा था अदाकारी। ये सियासत जो है ना उसमें तजुर्बा बढ़ता चला जी। अच्छे दिन हमेशा हो सकते हैं। IMF मान जाए। कुर्बानी। इस वक्त आवाम की कुर्बानी जा रही है। ट्रू। इलेक्शन आने करीब। अक्टूबर में या नवंबर में? डेट इलेक्शन कमीशन तय कर लेगी। रैपिड फायर की तरफ भी जाते हैं क्विकली। PDM हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात से निकाल दिया सदफ। यस और नो? नो। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। उनका मौकफ हो सकता है, आवाम से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। आपका बताएं यस और नो। मैं आवाम की बात करूंगा, अपनी राय थोड़ी दूंगा। नहीं नहीं, आपने यस और नो। अगले सदर मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। बतौर वजीर खजाना किसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही? इसहाक डार, असद उमर, मिफ्ता इस्माइल? मिफ्ता। ओके, अब पाकिस्तान के तमाम फैसले आवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं माया? नहीं। मुंतखब होंगे तो करेंगे। और ये आप सबसे सवाल है, हाँ या नहीं, आप सबसे सवाल है, आपका हाँ या नहीं चाहिए मुझे। मुर्तजा बहाव कराची की शक्ल बदल देंगे? उम्मीद है। Hopefully. बहुत ज्यादा उम्मीद है। अच्छा मुझे इसलिए उम्मीद है, इनफैक्ट जब मेरी इनसे बात हुई थी तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पिछले दिनों जब इनके पास ये पोर्टफोलियो था तो उस वक्त हमने वाकई कराची में चेंज देखा था, और वो जो बारिश के छीटे पड़े हुआ तो वो एक बहुत छीटे से थोड़ी सी ज्यादा और तेज से थोड़ी सी कम, वो बीच की बारिश थी, तो उसमें कुछ ज्यादा बारिश 2022 की बड़ी खतरनाक बारिश थी। वो तो बहुत ज्यादा 1150 मिलीमीटर बारिश। ये जो अभी वाली बारिश हुई 2022 भूले गई थी, सब बंद। मेरी गाय तीसरे दिन कुर्बानी हुई थी क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था, गाय गिराने की जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं। यस मुझे याद है, लेकिन उसके बीच में क्योंकि मुझे ये याद है जो है वो कराची के लिए too many people actually
हम सब तो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, आप खुद कितनी उम्मीद रखते हैं? मैं 100% पुर उम्मीद हूँ, पुर उम्मीद है। इंशाल्लाह। तकरीबन कितने साल का आपने एक एवरेज टारगेट रखा हुआ है कि शहर की हालत अब बदलनी है? मैंने आपको 4 साल में अंदाजा हो जाएगा, चेंज नजर आ जाएगा। अगर मैं 4 साल में चेंज नहीं ला पाया तो मैं भी नाकाम होऊंगा, और मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर नाकाम हुआ तो फिर घर चले जाना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, अगर काम करने का मौका मिला, इंटरफेरेंस नहीं हुई, पब्लिक ने कोऑपरेट किया, पॉजिटिवली आगे बढ़े, मैं समझता हूँ काम किया जा सकता है, काम हो सकता है। और एक बार काम का सिलसिला स्टार्ट हो जाए, लोगों के अंदर उम्मीद कायम हो जाए, तो देन आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। अच्छा, ये जो बजट है उसी बजट में ही काम जारी और सारी रखेंगे, बजट का तो शिकवा नहीं करेंगे? मैंने कहा ना कि अगर मैं ये जानते हुए कि मेरे इख्तियारात क्या हैं, ये जानते हुए कि मेरा रोल क्या है, ये जानते हुए कि ये शहर के हालात क्या हैं, ये सब कुछ जानते हुए मैंने इस पोजीशन को अज्यूम किया है। किसी ने ज़बरदस्ती मुझे नहीं भेजा यहाँ पे, तो जानते हुए आया हूँ, तो कोई तकाजा। अच्छा, फरियाल तालपुर साहिबा की ख्वाहिश है थी कि आप मेयर बने, इज इट ट्रू? इस तरह की कुछ खबरें, और पार्टी के अंदर भी कुछ ग्रुपिंग हुई थी आपके खिलाफ? देखिए, मेरे मेयर बनने में सबसे अहम किरदार जो है वो तो सबसे पहले पार्टी का, कारकुनान का, तंजीम का है कि हमने कराची में उस नंबर के साथ कामयाबी हासिल की। लीडरशिप में फरियाल साहिबा हूँ, बिलावल साहब हूँ, आसिफ साहब हूँ, तीनों मेहरबान हैं, चीफ मिनिस्टर साहब बहुत मेहरबान हैं, तो इन सब कौन मेहरबान नहीं था? कौन मेहरबान नहीं था? हाफिज साहब मेरे ख्याल में, हाफिज साहब मेरे ख्याल में मेहरबान नहीं रहे, अपनी पार्टी में नहीं आ रहे। नहीं, अपनी, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर सियासी जमात में होता है, हर इदारे में होता है, हर शख्स को ये हक है कि वो सोचे कि मैं बच जाऊं। बट वाज देयर एनी लॉबिंग अगेंस्ट यू? नहीं कोई, अगर देखिए मैं बताऊं, अगर कोई लॉबी हो रही होती ना तो फिर शायद मैं इस ओहदे पर नहीं होता। मेरा अपना ख्याल है कि बिलावल साहब ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ये सोच के भेजा था कि वो आगे सोच रहे थे कि शायद मौका मिला तो मैं मेयर का उम्मीदवार हूँ, तो मुझे एक ट्रेनिंग का मौका मिल गया, एक साल मैंने चीज़ों को देख लिया, और अब मैं फुल फ्लेश तरीके से 4 साल के लिए आ गया हूँ। आप कोई टैक्स वगैरह भी कुछ कराची के लिए, कुछ टैक्सेस में इजाफा वगैरह होने जा रहा है, ऐसा कुछ है? इजाफा नहीं, मैं तो पिछली बार कमी की थी, और कमी के बावजूद अदालतों ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया था। मैं सिर्फ तरीक़ेकार चेंज किया था कि बजाय इसके कैश कलेक्ट हो, किसी की जेब में जाए, मैंने कहा एक कंपनी के जरिए इकट्ठा हो जाए, किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए नहीं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जरिए। बट उस पर जमात इस्लामी ने थोड़ी मनफी सियासत की और वो अदालत चला गया मामला। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मुस्तकबिल में कंटिन्यू करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को चलाऊं, और उसमें मैं समझता हूं टैक्स कलेक्शन मेरा टारगेट होगा, क्योंकि मैं केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूं। अच्छा, वो मुर्सा आप कोशिश कर रहे थे उसे बिजली के बिल्स के साथ जी लिंक करने की, तो अभी भी फिर इसी तरह यही प्रोसीजर को फॉलो? देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि बिजली के बिल के साथ फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स अटैच्ड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स अटैच्ड है, पीटीवी की लाइसेंस फी अटैच्ड है। तो वो के इलेक्ट्रिक जो बिजली के बिल में कराची भर से वसूली करती है, अगर कराची का जो सबसे बड़ा म्यूनसिपल इदारा है उसका भी 50 रुपये का टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट ये केएमसी की ज्यूरिसडिक्शन वाले इलाकों में ही आएगा या फिर नहीं आएगा उन इलाकों में? ओनली कराची में 32 लाख कंज्यूमर हैं के इलेक्ट्रिक के, और नॉन मतलब जो केएमसी की हदूद में आते हैं लोग वो तकरीबन 2.4 मिलियन है, तो सिर्फ उन 2.4 मिलियन लोगों के लिए था ये, बिकॉज़ ज्यूरिसडिक्शंस भी तो बहुत है ना शहर की। बिल्कुल, आपको सवाल पता है अब्दुल्ला, ये नहीं करना चाहिए, सवाल ये करना चाहिए कि यार आप टैक्स लें लेकिन काम होना चाहिए, और काम होता हुआ नजर आना चाहिए। आई पर्सनली फील कि 50 रुपए में भी आपके लिए बहुत छोटी अमाउंट हो, हमारे लिए भी नवाने रखती हो, लेकिन वो आदमी जिसकी लिटरली 25,000 रुपए तनख्वाह है उसको 50 रुपए भी भारी लगते हैं। सो अगर आप इसको रिव्यू करके 30 रुपए पे ले आए मे भी, और 25 रुपए पे ले आए, गुजारिश करूँ, टैक्स मुस्तफ़ा कमाल साहब के जमाने में, वसीम साहब के जमाने में 5,000 रुपए था, तो 5,000 से कम करके 50 पे ले आए। 50 से अगर आप कहेंगे मैं 35 रुपए कर दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है 35 रुपए पे? 5,000 में से 1 रुपया भी कोई देता नहीं था। मैं देते थे हम 16 करोड़ रुपए 17 करोड़ रुपए शहर से इकट्ठा करते थे ना, उसमें शहर नहीं चल सकता। पॉइंट मेरा ये नहीं है, आप 50 को 25 कर दें, 50 को 30 कर दें, क्या गारंटी है कि उसके ऊपर कोई एतराज नहीं करेगा? देखें, जब भी आप कोई फैसला करते हैं इनडिसाइसिव आप होंगे ना, कोई तनकीद नहीं होगी। वेन यू डिसाइड दिस वे और दैट वे, कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जिनका काम है फैसला करना उनको इजाजत देनी चाहिए। आपने अदालत में जाके अपना मौके फेस कर, बहुत सारे बैरिस्टर्स होते हैं अदालत में, मुकदमा भी पेश करते हैं, लेकिन कभी अदालत इत्तेफाक करती है, कभी अदालत इत्तेफाक नहीं। बहुत मजे की गुफ्तगू चल रही है, लेकिन क्योंकि मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे तो हम सब भूल गए कि हम ईद पे बैठे हैं। हमारे अंदर हमारा एंकर जो है वो नॉस्टैल्जिया होने लगा।